अब खिड़की बंद करना। अरे हे भगवान, तू कितना दयालु है। राम झूठ न बुलाए, हमरा पूरा शरीर तो याद कर रहा था और तू आ गई। आहा, तू गुलाबो नहीं है, हमरा गुलाब है। आहा, का खुशबू है, ताजा मक्खन और सड़ा हुआ दूध, ऐसी खुशबू तो असली गुलाब में भी नहीं होती है मेरी गुलाबो। फिर वही सारी जिंदगी यही चटवाती रहेगी का? अरे रहने दे तो हर चाटना, हम पहले ही बहुत दुखी हैं। अरे काहे दुखी है, कौन दुखी किया? नाम बताओ साले का, उल्टे उस तरह से हजामत नहीं बना दिया तो हमारा नाम भी नथु नहीं। हाँ अरे छोड़ छोड़, तू कुछ नहीं कर सकेगा उका। एक तुहार बेटा है और दूसरी हमारी बिटिया। क्या किया उन दोनों ने, कहीं शादी तो नहीं कर ली? अरे नहीं किया तो अब कर लेंगे। आज सुबह से भी दोनों गायब है। देखना तू, तू तेरे छोरे को समझाए दे, नहीं तो हम किसी दिन भैंस के पांव के तले लेट कर अपने आप को खत्म कर देंगे। हाँ गुलाबो, उन दोनों को रोकने का एक ही तरीका रह गया है। का ई तरीका? अरे 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 का कर रहे हो? अरे छोड़ो ना जी, हमारी चोली नहीं है ना। अरे चोली छोड़, उन दोनों को रोकने का एक ही तरीका, हम दोनों सुहाग रात मना लेते हैं। तो दिन है ना, तो चलो सुहाग दिन मना लेते हैं। सहनाई ढोल, अब तो दोनों ही बज रहे रे। पर कैसे बज? अरे चंपा चल चल चल। अरे चले चल ना बाबू। शर्म नहीं आती है, हमको बाबू बोलती है। अरे हम तो का थोड़ी बापू कहेंगे रे। अच्छा बुला ना बाबू। बाबू बाबू, ये किसकी आवाज? ये तो तुहार बिटुआ ही रे। अरे सत्यानाश, ये कमबख्त इस समय काहे को मरे के चला है? उठ, उठ। अरे हाँ उठता हूँ, डांट काहे के रही। बाबू आए, कहीं मर तो नहीं गया? अच्छा है, मर जाए ना। हरामी सुअर, गधे की औलाद, अपने बाप के ऊपर बैठ गया है? क्या हुआ? अरे अपनी आंख से देख क्या हो रहा है। बाबू तू छुप जा, छुप छुप। अरे तू चल तो सही, वहीं वहाँ कोना में कहीं छुप। मुझे तो कुछ नहीं आ रहा है। ये पेटी में घुस जा। अरे यहीं घुस जा, यहीं नहीं जगह नहीं, वहाँ नहीं घुस सकत। अरे तू जल्दी चल, नहीं तो फेरे नहीं होंगे, हजामत हो जाएगी। आ जाओ बाबू। का है? कुछ नहीं, क्या कहूँ, बोलो ना बाबू। हमने फैसला कर लिया है, हम लोग शादी कर रहे हैं, आप कन्यादान कर दो। गधे की औलाद, कन्यादान लड़की का बाप करता है, लड़के का बाप नहीं। तो आप बेटा दान कर दो, कुछ भी कर दो, शादी कर दो। हाँ हम शादी करेंगे। ये शादी नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि मेरी माँ और तुम शादी करना चाहते हो, हम तुम्हारी शादी भी नहीं होने देंगे। हाँ। नहीं नहीं ये बात नहीं है, दरअसल क्या है, हम आज बहुत दुखी है। क्या हो बापू, रो क्यों रहे हो? कितना नालायक बेटा है, आज इसकी माँ का श्राद्ध का दिन है और ये शादी करना चाहता है। माँ का श्राद्ध तो जाड़ों में होता है, अब की पतलों में हो रहा है। ये पतला का है, ये कौन सा महीना है पतला? ये नया महीना है। अबे तू अंग्रेजी हिसाब मत लगाना, देसी हिसाब में बात कर। तेरी माँ का मरी थी मालूम है तुमको? तुम झूठ बोल रहे हो, तुम हम दोनों की शादी रुकवाना चाहते हो। चल बुद्धू, हम मंदिर जाके फेरे ले लेते। चल खबरदार, हम तो का जान से मार डालेंगे। ये तो माँ की, नहीं नहीं इसकी माँ की आवाज है, ऊपर से आ रही है। खैर अभी आ रहा है। नहीं नहीं ये मेरी माँ की आवाज है। अरे नहीं बाबा, इसकी माँ की आवाज है, बेटे को नालायक पाके उसकी आत्मा ऊपर फड़फड़ा रही है मालूम। बापू माँ की आत्मा इससे पहले तो कभी बोली नहीं। माँ की आत्मा खाली श्राद्ध वाले दिन बोलती है मालूम नहीं है? देखो बापू, हम कह दे रहे हैं, अगर आप झूठ कहकर हमारी शादी रुकवाना चाहते हैं तो राम झूठ न बुलवाए अच्छा नहीं होगा। नहीं बेटा मैं तेरी, तुम मेरे को हाथ मत लगाइए, इसमें इसके दूध के पैसे लगे हुए हैं। तुम्हारे दूध के पैसे? हाँ, और ये जोड़ा भी मैंने उसी पैसे से लिया है, और हम शादी करेंगे। हाँ, बेटा जरूर करो जरूर करो, मैं कहा है शादी 7 दिन के बाद करोगे तो बहुत अच्छा होगा, तुम्हारी माँ की आत्मा को शांति मिल जाएगी। सच कह रहे बापू, तुम्हारी माँ की कसम। इधर नहीं, इधर नहीं, बाहर बाहर बाहर, जल्दी चल जल्दी। तोरी अकल पे झाड़ू फिरे, इस तरह तो हम दोनों समधी हो जाएंगे। अरे नहीं, उससे पहले वो दोनों भाई बहन हो जाएंगे। ये का मतलब है हम लोग शादी पहले कर लेंगे का? डिंगा 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 डिंग। का है तू शादी करने की हजामत बनाने आई? सरदार आइए। नारिया साहब आपने क्यों तकलीफ की है? आपको गोली लगने की खबर ने परेशान कर दिया था, क्या करें, आना ही पड़ा। लगता है कि आपको मेरी फिक्र से ज्यादा
माल की फिक्र है। हाँ, वो भी थी। आपका माल नहीं पहुंचता तो शहर में हमारा जीना मुश्किल हो जाता। सरदार, हम आपके मेहमान। तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? किसने आने दिया? अरे चलो जी, आए कैसे तुम लोग? जिंदा जी, हम तो मेहमान के लिए जलपान लाए और आप हमें धक्का दे रहे हैं। अभी तो सिर्फ धक्का दिया है, यहाँ के हर मामले में टांग अड़ाई तो टांगे चीर कर दूंगा। लावे दबा जाओ यहाँ से, नहीं तो गोली मार दूंगा। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। अरे अब तो हम डाकू बन गए, फिर भी हमारी बेइज्जती कर दी और हमें धक्का देकर बाहर भगा दिया। सुनो, जो आदमी अंदर है ना, उसके लिए सबको डांट के भगा दिया जाता है। अरे गाँव में आज तक उसकी किसी ने सूरत भी नहीं देखी है। क्यों, इतना बदसूरत है क्या? पता नहीं कैसा है, हर साल अफीम की फसल लेने आता है, सरदार और जिंदा को माल देता है और चला जाता है। अच्छा अच्छा, तो यही है वो राक्षस जो शहर में अफीम पहुंचाता है? राक्षस नहीं, इस गांव का अन्नदाता है। अगर वो न रहे तो गांव वाले भूखे मर जाएंगे। बॉस है बॉस। अभी तक हटो। अरे हटो यार, हटो। घर है क्या भूतिया मेल? क्या हुआ? क्या हुआ सावी? अरे सावी बोलती क्यों नहीं, क्या हुआ? अभी तो कुछ नहीं हुआ, मगर 9 महीने के बाद जरूर हो जाएगा। 9 महीने? क्या मतलब क्या है? मुझे लगता है मैं तुम्हारे बच्चे की बनने वाली हूँ। अब मैं कहीं की नहीं रही, इससे पहले भगवान ने मुझे उठा क्यों नहीं लिया? अरे तुम बेकार परेशान हो रही हो, लो हम तुम्हें सच बता देते हैं, उस दिन कुछ नहीं हुआ था। तुम्हें कैसे मालूम? तुम भी तो भाग के नशे में थे। तुम्हारा मतलब है कि हम और तुम सचमुच? और नहीं तो क्या, 7 दिन ऊपर हो गए हैं और मुझे मतली भी आती है। मगर ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? तुम्हीं ने तो कहा था कि जब लड़का लड़की और लस्सी इकट्ठे होते हैं तो बच्चा होता है। मर गए? मैं जानती थी तुम परदेसी सब बेवफा होते हो। इतनी हाई बाप बनने से पहले मैं अपनी जान दे दूंगी। नहीं सावी, सावी हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। हम सरदार से तुम्हारा हाथ मांग लेंगे। क्या सच? हाँ। तुम सरदार से? हाँ सावी, हम जान दे देंगे मगर तुम्हारी बदनामी नहीं सहन करेंगे हम। इसी वक्त? नहीं, इसी वक्त नहीं, इस वक्त वो सरदार नशे में है। तुम कल सुबह आना। हाँ कल सवेरे। हाँ ठीक है, कल सवेरे। कल सवेरे भैया जल्दी आ जाओ, नथुराम इंतजार कर रहा है। अच्छा बापू। नथुराम बापू। क्या है बिटिया? बापू तुम्हारा वो कृष्णा कह रहा था कि वो पक्का डाकू बन गया है, उसको अपना घोड़ा मिलना चाहिए। अरे तो अपने घोड़ों में से एक घोड़ा दे दे उसे। अरे बापू तुम समझ नहीं रहे, उसकी नजर मेरी वाली घोड़ी पर है। ये कैसे हो सकता है, वो घोड़ी उसके काबू में नहीं आएगी। वही तो मैं उसे समझा रही थी लेकिन वो मानता ही नहीं, जिद कर रहा है। अच्छा अच्छा मैं समझा दूंगा। चल नथु हो जा शुरू। सरदार अब का इतना खराब जमाना आ गया है कि गधा घोड़े पे बैठेगा। क्या मतलब? गधा आ रहा है। राम राम। राम राम सरदार। राम राम। आओ कृष्णा। राम राम आवा, 100 साल नहीं मरोगे, अब ही नाम लियो भड़ाक से टपक पड़े, है ना सरदार? आज हम आपसे कुछ मांगने आए हैं सरदार। मुझे मालूम है क्या मांगने आए हो। आपको कैसे मालूम? सावी ने बताया। जब सावी ने खुद ही बता दिया है तो आप भी बता दीजिए, क्या फैसला है? बड़े आए फैसला पूछने वाले। राम झूठ ना बुलाए, मांगे पे तो सरदार अपनी जान तक दे सकते हैं, मगर पहले मांगने वाले को अपनी झोली देख लेना चाहिए। हाँ झोली तो बहुत छोटी है नथुका का, मगर दिल बहुत बड़ा है। हम वचन देते हैं सरदार, आपको कभी कोई शिकायत नहीं होगी। तू कोई दूसरी पसंद कर ले। दूसरी? अरे तू जिस पे हाथ रख देगा तुझे दिलवा दूंगा। नहीं नहीं सरदार, अब हम आपको कैसे बताएं, हम उसके बिना एक पल भी जिंदा नहीं रह सकते। हम उससे सच्चा प्यार करने लगे हैं सरदार। ठीक है ठीक है, मैं सावी को समझा दूंगा, लेकिन एक बात है,
उसका बच्चा तो मैं नहीं दूंगा, वो मैं पालूंगा। बच्चा? आपको मालूम है? हाँ, हमारे सरदार को सब मालूम है कि किसका बच्चा है, जायज है नाजायज है, सब मालूम है सरदार को। अरे चुप चुप, साबी को आवाज लगा। बापू, मैं घोड़ी खुद ही ले आई बापू। घोड़ी? हाँ। जा ले ले, ऐसी घोड़ी फिर नहीं मिलेगी। तो साबी ने आपको घोड़ी कहा था? नहीं तो क्या, दुल्हन कहा था। लेकिन देख, बड़े प्यार से रखना इस घोड़ी को। आप फिक्र मत कीजिए सरदार, बहुत प्यार से रखेंगे इस घोड़ी को। इस घोड़ी को